मुजफ्फरपुर में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ और सीपीआई के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को हाथ से ऑटो को खींचकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष एआर अन्नू ने कहा कि केंद्र व प्रदेश की सरकार को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर अंकुश लगाना चाहिए। आइए आगे देखते हैं एआर अन्नू ने और क्या कहा। 12 दिनों से जो केंद्र सरकार है वो डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ा रही है, जिससे हम लोग टेम्पू चालक हैं, हम लोगों का रोजगार बिल्कुल खत्म हो गया है। लॉकडाउन 3 महीना होने की वजह से ऐसे भी हम लोग भुखमरी के कगार पर थे। हमने प्रशासन से मांग किया कि वो हम लोगों को मुआवजा दे, हमारे ऑटो चालकों को हम लोगों को राशन दे, तो सरकार ने राशन और मुआवजा तो नहीं दिया, बल्कि हम लोगों को रोजगार छीनने का वो प्रयास कर रही है। स्थिति ऐसी हो गई है कि प्रति रोज डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, हम लोग गाड़ी चलाने में असमर्थ है, पैसेंजर से रोज सवारी से पैसा को लेकर झगड़ा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप इतना भाड़ा क्यों बढ़ा रहे हैं, हम लोगों के साथ मजबूरी है, गाड़ी का पेपर ऊपर जो बनता है उसका भी दाम बढ़ता जा रहा है और सरकार पेट्रोल डीजल का भी दाम बढ़ा रही है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि शीघ्र वो डीजल पेट्रोल का दाम कम करे और हम लोगों को जो गरीब चालक है हम लोगों को आर्थिक सहायता दे, न कि डीजल पेट्रोल बना के हम लोगों का रोजगार मोटर का रोजगार को खत्म करने का प्रयास करे। आज हम ये गाड़ियों को अपने हाथों से खींच कर ऑटो चालकों को, इसलिए कि हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है कि डीजल भरा के हम लोग सवारी को चलाएं। हम प्रशासन को ये बताना चाहते हैं कि सर आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक युग है, ये कैसा युग है, ये तो युग ऐसा हो गया कि हम भूखे मरने के कगार पर हैं। हम गाड़ियों को आज अपने हाथों से बांस के सहारे खींच खींच कर जैसे बैल खींचता था, हम लोग खींच के उनको जगाने का काम कर रहे हैं। अगर वो नहीं माने तो हम लोग इससे भी बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। यही ना कहो लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।